हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पतंजलि के पांच ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आपको ठंडी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और आप डेफिनेटली उसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ठंडी से बचने के लिए हमें पतंजलि के किन किन प्रोडक्ट्स के काम आएंगे। सबसे पांचवे नंबर पे है बादाम का तेल। बादाम का तेल के फायदे तो अनगिनत है, आप सबको पता ही होगा कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में सहायता करता है बादाम का तेल। हमारे आयरन की लेवल को बढ़ाता है, मतलब जिसको भी अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो तो वो बादाम का तेल का सेवन रोज़ाना कर सकते हैं। हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, गर्म नेचर में होता है तो ठंडी के दिन में हमें तो गर्माहट बहुत चाहिए होगी बॉस, तो इसीलिए ठंडी के दिन में आपको बादाम का तेल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। चौथे नंबर पे है दो चीज़ें। सबसे पहला तो है कि सरसों का तेल। सरसों का तेल हद तो ठंडियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम नेचुरल तौर पे, चाहे वो मालिश के लिए हो या खाने में हो या बालों में लगाने के लिए हो। सरसों का तेल बहुत ही गर्माहट देता है और बहुत ही फायदेमंद होता है खास करके ठंडियों में। तो सरसों का तेल तो आप डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और दूसरा है चौथे नंबर पे हमारा हनी। हनी भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं ठंडियों में, क्योंकि आपको पता है कि हनी भी बाय नेचर गर्म होता है, तो उसको भी अगर आप मिठास के तौर पर किसी भी चीज़ में यूज़ करें या अगर आप उनको बच्चों को खिलाएं या किसी भी घर के मेंबर्स को खिलाइए हनी, तो इम्यूनिटी बूस्टअप करता ही है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है हनी। तो ठंडी के दिन में आप हनी भी बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाले हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड होने वाले हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे पतंजलि का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको ठंडी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ फ्रेंड्स, ठंडियों में जैसे कि आपको पता है कि स्किन कितना ज़्यादा ड्राई होता है, रफ हो जाता है और फटने भी लगते हैं बहुत बार, तो एलोवेरा जेल इस केस में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। अगर आप रोज़ रात को एलोवेरा जेल अप्लाई करके अपने चेहरे पर सोते हैं तो आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, फटने से बचेगा और बिल्कुल रफ और ड्राई तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देगा आपके स्किन को। तो एलोवेरा जेल इस ठंडी में रोज रात को लगा के जरूर सोएं। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे मैंने कौन सा प्रोडक्ट रखा है पतंजलि का जो कि आपको ठंडी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो फ्रेंड्स ये है इम्यूनिटी बूस्टर पुष्टाहार दलिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ठंडी में जब आपको कुछ गर्म खाने का मन करे, जब आपको कुछ अच्छा हेल्दी खाने का मन करे, तब आप पुष्टाहार दलिया को बना के ज़रूर खाएं। उसको आप सूप की तरह भी बना सकते हैं, उसको आप गाढ़ा भी बना सकते हैं, उसको आप कभी भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा आपको। अब बढ़ते हैं पतंजलि के नंबर वन प्रोडक्ट पे जो इस सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी पतंजलि का ऐसा प्रोडक्ट ठंडी में यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं जो कि आपको बेहद पसंद हो या बेहद आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो उसको हम मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। पहले चीज़ की ओर बढ़ने से पहले एक और बात फ्रेंड्स, कि आप कोई भी प्रोडक्ट को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप अपने नीड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से और अपने डिमांड के हिसाब से ही प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए जिस जो कि आपके काम आने वाला हो। हमेशा प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नंबर वन प्रोडक्ट की ओर और वो है पतंजलि का च्यवनप्राश। जी हाँ फ्रेंड, पतंजलि का च्यवनप्राश आपको पूरे के पूरे ठंडी में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। उसका एक चम्मच आप रोज सुबह एक ग्लास दूध के साथ लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। और आपको फायदा किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डेफिनेटली करेगा ही फायदा, इसका तो कोई नुकसान है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, किसी तरह के धड़ाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फिर मिलते हैं। बाय बाय।